हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन आ चुकी है और आज हमने रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई तैयार की है। इसे हम खुरमानी बोलते हैं, यानी ये कोकोनट से तैयार किए जाने वाले रसगुल्ले हैं। ये बहुत ही हेल्दी मिठाई है, बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल हलवाई की तरह बनाएंगे हम इसे। ये मिठाई हम रसगुल्ले से बनाएंगे और इसे हम नारियल से कोट करेंगे और भाइयों को भी बहुत पसंद आने वाली है ये मिठाई। तो आइए हम इसे बनाना सीखते हैं। खुरमानी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को फाड़ कर छेना तैयार कर लेंगे। छेना बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। इसे हम उबाल आने तक गर्म करेंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें नींबू का रस या फिर टाटरी या विनेगर डालकर इसे फाड़ लेंगे। दूध फट चुका है, अब इसे हम एक कपड़े की मदद से छान लेंगे। और इसे हम साफ पानी से धो लेंगे। और अब हम बिल्कुल इसी तरीके से इसका सारा पानी जो है वो निकाल लेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हमारा छेना तैयार है। इसे हम इस तरीके से फोड़ लेंगे। और अब हम हथेली की मदद से लगातार इस तरीके से मसलते रहेंगे। इसे हमें 10 मिनट तक इसी तरीके से मसलते रहना है। ये हमने 3 चम्मच मैदा ली है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर आपका मिक्सर ड्राई हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें। हमें दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1 से 2 चम्मच ही हमें इसे दूध ऐड करना है। ये देखिए 10 मिनट के बाद छेना जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे। दोनों हथेलियों को प्रेस करते हुए हम इसकी बॉल्स तैयार करेंगे। डेढ़ किलो दूध में हमने लगभग 30 से 35 मिनी रसगुल्ले की बॉल्स तैयार की हैं। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 2 कप चीनी यानी 300 ग्राम चीनी ली है। इसमें हम 6 कप पानी डालेंगे। जिस कप से हमने चीनी डाली है उसी कप से ही हमें पानी डालना है। 2 कप चीनी में हम 6 कप पानी डालेंगे और अब इसे हम कवर कर देंगे और चाशनी में उबाल आने देंगे। ये देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है और अब इसमें हम तैयार की हुई सभी बॉल्स डाल देंगे। और अब हम इसे फिर से कवर करेंगे और 10 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारे रसगुल्ले भी तैयार है। अब हम इसका कवर हटा देंगे और अब चाशनी गाढ़ी होने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। इसका फ्लेम हमें मीडियम रखना है। ये देखिए हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। और अब इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। रसगुल्ले भी ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इन्हें एक एक करके नारियल के बुरादे में डालेंगे। और इसी तरीके से हम सभी रसगुल्ले को नारियल के बुरादे से कोट कर लेंगे, यानी इसे इस तरीके से नारियल के बुरादे में लपेट लेंगे।
और ये देखिए हमारे कोकोनट रसगुल्ले तैयार हैं, यानी हमारी खुरमानी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बना लिया है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। रक्षाबंधन पर इस मिठाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सभी अपने घर पर अपने भाइयों के लिए इसे ज़रूर बनाएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।